भारती यहाँ पे, भारती 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 यहाँ पे, भारती थोड़ा आगे आइए ना, थोड़ा आगे आइए ना, बस 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 बस, स्टार्ट फ्रॉम हियर, स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड, यहाँ पे भारती जी, भारती जी यहाँ पे, भारती जी, भारती जी यहाँ पे, भारती जी ये साइड, भारती जी यहाँ पे, एक और भारती जी, भारती जी यहाँ पे, भारती जी, भारती जी यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन भारती जी, एक ही कैमरा और तीन माइक। थैंक यू भाई सो मच, थैंक यू सो मच। जर्नी के बारे में बताइए, किस तरह की जर्नी रही? जर्नी में सो गई थी अभी। हाँ जी, और मैडम को मतलब दो तीन बार उठाना पड़ा क्योंकि वो सीट पे पीछे करके आराम से लेट चुकी थी। लेकिन जर्नी में बहुत मजा है, हम लोग बहुत भूखे थे, हमने फ्लाइट में खाना मंगवाया, बैठते ही खा लिया, बैठते ही खाना, टेक ऑफ से पहले सबसे पहले हमको खाना मिला, लेकिन मजा आया। हम एयरपोर्ट पे गए तो हम लोग ने इतनी भीड़ देखी और लोग हमारे जो चाहने वाले सब हमारे साथ, बहुत लोगों ने फोटो खिंचवाए, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेट तो पता नहीं मतलब कब हुआ था, है भारती कब हुआ था आखिर? लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है, लाइफ चेंज हो गई मेरी भी, हर्ष की, हर्ष थोड़ा टेंशन में, जिम्मेवारियाँ बढ़ गई हैं अभी, और मैं तो बहुत ज़्यादा बड़ी जिम्मेवारी हूँ क्योंकि सारी दुनिया मुझे इतना प्यार करती है, तो अगर ये कोई भी प्रॉब्लम देगा तो तुम्हारा देखना क्या हाल होगा। चले गोवा के बारे में जानना चाहेंगे। गोवा में तो बहुत ज़्यादा मज़े किए हमने, कसीनो में गए, इतनी बड़ी शादी थी लेकिन हम दोनों ने एक बार अपनी शादी का खाना नहीं खाया और यहाँ फ्लाइट में आकर खाया, लेकिन शादी इतनी बढ़िया रही, बढ़िया थी लेकिन आप लोगों ने उसको और बढ़िया बना दिया। हम अपनी शादी के दौरान, हर्ष भी लाइव थे, मैं भी लाइव थी, लाइव शादी दिखा रहे थे, मैं रो रही थी तो इतने फैंस रो रहे थे और हर्ष को इतना बोल रहे थे कि आप ध्यान रखना उसका, मतलब ऐसे लग रहा था कि पूरा देश मेरे माँ बाप बन गए और विदा कर रहे हैं। भारती का सपना था कि पूरा देश उनकी शादी में, वो पूरा हो गया, बिल्कुल पूरा देश मेरी शादी में शामिल हुआ है और मेरा सपना पूरा हो गया, सच में बहुत अच्छा लग रहा है। अब क्या शादी के बाद क्या प्लान है आगे? हनीमून के प्लान है, बच्चे के सो मेनी प्लान्स है, धीरे 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 डिस्क्लोज करेंगे क्या क्या। अब हनीमून पे जा रहे हैं हम यही 15-20 तारीख को, फिर उसके बाद आकर फिर काम पे लगना है इसको भी और मुझे भी, फिर उसके बाद बताएंगे आगे क्या प्लान है। आपका क्या प्लान है आज शाम का? थैंक यू, थैंक यू।